राजस्थान कोटा से लौटे छात्रों और उनके परिजनों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर ने सभी को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी कोटा से बस में आया है वो बाहर नहीं निकलेगा और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए सिंगरौली में कोटा से आए हुए बच्चे व उनके परिजन साथ ड्राइवर और कर्मचारियों की बैढ़न स्थित राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में कोरोना जांच की गई। जिस बस में ये बच्चे आए थे उसको भी सैनिटाइज किया गया है। कलेक्टर के V.S. चौधरी ने सभी को निर्देशित किया है कि जो भी कोटा से आया है वह 14 दिन तक घर में क्वारंटीन रहेगा। इसके अलावा उन्होंने सभी राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कलेक्टर ने आदेश दिया है कि पूरी तरह प्रशासन के नियमों का पालन कराया जाए। इनके घर के बाहर स्टिकर लगाया जा रहा है, यदि इन लोगों को किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हेल्पलाइन 104 नंबर पर संपर्क करें। यदि इस आदेश का कोई भी व्यक्ति अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 24 अप्रैल तक ऐसा कोई कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं पाए गए, तब भी और सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि कई लोग बाहर से आए। आखिरी 7 दिनों में कई लोग पास के आधार पर और कोटा से भी बच्चे, अभिभावक, ड्राइवर, ऐसे कई लोग बाहर से आए हुए। आज हमने सभी राजस्व अधिकारियों को, ग्रामीण विकास की टीम को, चिकित्सा अधिकारियों सबको निर्देशित किया गया है कि सभी लोग जो आखिरी 7 दिनों में बाहर से आए हुए हैं, इन सब लोगों को अपने घर के अंदर होम क्वारंटाइन करने के लिए मैंने सुनिश्चित करेंगे। घर के बाहर स्टिकर लगाया जा रहा है और इन घरों से ना किसी को अंदर जाने की अनुमति है, ना घर से बाहर निकलने की मतलब जरूरत है, ना अनुमति है। इन सभी घरों के बाहर ताला लगाया जा रहा है, चाबी हम लोग रखेंगे। कोई भी अत्यावश्यक परिस्थिति है, जरूरत है तो तत्काल फोन करेंगे 104 नंबर पर, हम लोग उनको तत्काल उस पर रेंट करके जो सामग्री की आवश्यकता है वो दिला देंगे। इन सभी घरों में जो सदस्य है उनके मोबाइल नंबर पर वो लोग सार्थक ऐप डाउनलोड करके सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे अपना उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसमें इस प्रकार की प्रावधान किया गया कि वो 15 मीटर भी वो बाहर उसका लोकेशन पाया जाएगा तो उसको हमको अलर्ट आ जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी और काफी कठोर कार्रवाई करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।